पशुओं और आपसे क्वेश्चन क्या है, पशुओं और पौधों के उसके वातावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं, बताइएगा। अभी भी मैं जुड़ नहीं पाया हूँ, तो भैया मुझे बहुत जरूरत है कि मैं आपके साथ जुड़ूं और इस सेशन का आनंद उठा सकूं, क्लियर है ना। तो बताइएगा दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, मुझे तो अभी तक लाइव नहीं दिख रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सा मुझे लगता है दोबारा से रिफ्रेश करके सिस्टम में आना पड़ेगा। आप लोग इसका आंसर करिएगा। तो भाई निश्चित तौर पे इसका आंसर क्या सही है, इकोलॉजी। इसका सही आंसर क्या है, इकोलॉजी है। तो इकोलॉजी पहले क्वेश्चन का आंसर सही है, और ये आया आपका दूसरा क्वेश्चन, के मामलों में हरित क्रांति के प्रभाव को सबसे अधिक देखा गया है। जरा बताइएगा दोस्त, किसके मामलों में हरित क्रांति के प्रभाव को सबसे अधिक देखा गया है, निश्चित तौर पे गेहूं के मैटर में। तेजी से आंसर करना है, जीएस का रैपिड फायर, नाम नहीं बदनाम होना चाहिए, क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन दोस्त ये रहा, बाढ़ के दौरान नदी के किनारे पर बना एक विस्तृत निचले तटबंध को क्या कहा जाता है, याद आ रहा है मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, व्हाट इज अ ब्रॉड लेवल एम्बैकमेंट कॉल्ड अ रिवर बैंक बिल्ड ड्यूरिंग अ फ्लड, बताइएगा इसका क्या आंसर होगा दोस्तों। निश्चित तौर पे तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्त वो होगा तटबंध। कहीं ऑप्शन दिया है, बिल्कुल तटबंध, हिंदी से इसका ऑप्शन लेंगे, सही ऑप्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, समुद्र में ज्वार का मुख्य कारण क्या है, द मेन रीजन फॉर द टाइड इन द सी इज, ज्वार का मुख्य कारण क्या है। तो भैया जो ज्वार का मुख्य कारण है, आप सभी जानते हो कि पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, ज्वार और भाटा दो चीजें होती हैं जो पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण अकर होती हैं या होती हैं। तो भाई जीएस का रैपिड फायर है, कई दोस्त सोचते हैं सर आराम से क्यों नहीं करा रहे हो, इसलिए नहीं कराता हूं क्योंकि जीएस का रैपिड फायर है। बताइएगा नदी की युवा अवस्था के दौरान कौन सी प्रक्रिया होती है, व्हाट प्रोसेस अकर ड्यूरिंग द प्यूबर्टी ऑफ द रिवर, जब यंग रिवर रहती है उस दौरान कौन सी घटना होती है। भाई निश्चित तौर पे घाटी का गहरा होना, डीपिंग ऑफ द वैली, क्लियर है। अगला क्वेश्चन ये रहा, वह क्षेत्र जो गंगा और सिंधु नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन का कार्य करता है वह है, बताइएगा। मैंने सारे क्वेश्चन पढ़ाए हैं, जो मेरे शो के रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके लिए रैपिड फायर भी साबित होगा, साथ ही साथ रिवीजन राउंड भी साबित होगा, क्लियर है ना। तो बताइएगा वह क्षेत्र, बहुत बढ़िया, प्रदीप, शिवम, साक्षी, रहीस, खालिया, सुग्रीव पांडे, रितिका, यदुवंशी, श्रुति कुमारी, भीम यादव जी, आंसर करो मेरे दोस्तों। तो भाई उसका नाम क्या है, निश्चित तौर पे छठवें क्वेश्चन का आंसर है अंबाला। अभी यहीं पे राफेल विमान आकर के लैंड की थी, जो हम लोगों ने खरीदा हुआ है, क्लियर है ना, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, सूर्य की सबसे बाहरी परत को कहा जाता है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड, बताइएगा दोस्तों। सूर्य की सबसे बड़ी, रिया अंजलि जी, स्वीटी शर्मा, सुग्रीव, अनु सिंह जी, लाइट चली गई, नेट स्लो हो गया, कोई बात नहीं अनुज, हिम्मत से काम लो, मोहम्मद आसफ, दामिनी, दिलीप, सुनील, आंसर करो भैया, श्रुति कुमारी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कोरोना। भैया ये तो नाम लेने में भी अब डर लगता है, लेकिन सूर्य के सबसे बाहरी परत को कोरोना ही कहा जाता है। अगला, अग्नि मेखला मुख्य रूप से, अग्नि मेखला मतलब दोस्त रिंग ऑफ फायर, क्लियर है ना, रिंग ऑफ फायर के बारे में बात कर रहा है। तो ये रिंग ऑफ फायर कहां पाया जाता है, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक में, या हिंद में, या उत्तरी ध्रुव महासागर में। बहुत बढ़िया प्रयाग रतन जी, पिंकी रानी जी, अवधेश राज, ब्यूटी तिवारी, तिवारी नेहा, बताइएगा रिंग ऑफ फायर। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्त, आठवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर में पाया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा, चट्टानी रेगिस्तान में एक ही दिशा में हवाओं का निरंतर चलने के कारण किसका निर्माण होता है, बताइएगा, विच इज फॉर्म ड्यू टू कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ विंड इन वन डायरेक्शन इन रॉकी डिजर्ट, बताइएगा। तो इसका किसका निर्माण होता है भाई, तो याद रखिएगा यार डांग का, थोड़े अपने में यूनिक नेम है, ठीक है, अब धरती पे आया है, ठीक है। तो बताइएगा सुनील सिंह जी, नीलेश परमार, कंचन पांडे जी, यार डांग नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी और गहरी रेल सुरंग गाथ थर्ड बेस सुरंग किस देश में स्थित है, भाई रेलवे के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहते हैं रेलवे के पेपर में। तो गाथ थर्ड का कहां पे है भैया, अतुल गौरव जी, हितेश सेन, जीनल सोनी, बिहारी बाबूजी, पिंकी रैना जी, और ब्यूटी तिवारी, प्रियंका, अंजलि आरव, आंसर करो बेटा इसका क्या होगा। अंजलि दसवें क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्विट्जरलैंड, क्लियर है, स्विट्जरलैंड।
अगला क्वेश्चन, सूचना के पट्ट के रूप में रिमोट सेंसिंग डेटा को दर्शाने की एक आम प्रणाली को क्या कहते हैं। देखो, संभव है कि लगातार दो तीन क्वेश्चन के आंसर आपको ना आवे, लेकिन यह असंभव है कि आने वाले क्वेश्चन के आंसर आपको ना आवे। सो छोड़ना इसका सलूशन नहीं होता है, रुक करके आंसर लेना इसका सलूशन होता है। और इसका आंसर है आपका, क्या आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन, थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन दोस्त, भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है ना, भाखड़ा नांगल जो परियोजना है वो किस नदी के ऊपर निर्मित है। तो आई थिंक बहुत आसान है आपको बताने के लिए कि भाखड़ा नांगल किसके ऊपर है, ठीक है। तो भाखड़ा नांगल भैया सतलज नदी के ऊपर स्थित है। आसान क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। भाई आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ जो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और भैया एक बार लाइक तो कर ही दो, क्लियर है ना, कम से कम एक बार अब लाइक हो जाए। 10 से 12 क्वेश्चन के बाद एक बार लाइक के लिए आपसे बोलूंगा दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सही है तो बिल्कुल दोस्त लाइक जरूर करें। समुद्र के जल का एक विस्तार जो आंशिक या पूर्ण रूप से मुख्य समुद्र से एक संकीर्ण पट्टी द्वारा अलग होता है उसे क्या कहा जाता है। एन एक्सपेंस ऑफ सी वाटर विच इज पार्शियली आर कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द मेन सी बाय अ नैरो स्ट्रिप इज कॉल्ड अ, उसको क्या कहते हैं दोस्त। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक है ना, ये इसका आंसर होगा लैगून। आकांक्षा सिंगल जी मैं यहाँ पे बात करार कर रहा हूँ, और प्रांजल मिश्रा जी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जीएस रैपिड फायर का, मैं लास्ट में बता पाऊंगा, अभी मैं बीच में कोई बात नहीं करना चाहता, ईमानदारी से जीएस रैपिड फायर आपके साथ खेलना चाहता हूँ सभी के साथ। भारत का दैनिक मौसम मानचित्र में तैयार और प्रिंट किया जाता है, बताइएगा दोस्तों, ठीक है। तो भारत का दैनिक मौसम मानचित्र कहां तैयार और प्रिंट किया जाता है, बिल्कुल दोस्त पुणे में, कहां किया जाता है पुणे में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन को प्रतिबंधित करने वाला पहला प्रोटोकॉल कहां बना था। देखो भैया आंसर करिए कि इसका सही आंसर क्या होगा, जरा भाई आंसर करो। तो निश्चित तौर पे दोस्त इस क्वेश्चन का सही आंसर है मॉनिट्रियल। बहुत बढ़िया, सचिन रूपुला जी, रितिका जी, अनुजा, असु, मोहम्मद आसफ, साक्षी सिंह, शशि वाला जी और मिन्नते कुमारी जी, मिन्नते शिवम सिंह, काजल कुमारी, सोनिया दमान जी। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय मध्यान रेखा है, द मैग्नेटिक मेरिडियन इज, ऑप्शन लंबे लंबे हैं, थोड़ा सा समय दे देता हूं ताकि आप इसको पढ़ करके आंसर कर पाए। ऐसा तो है नहीं कि भाई जीएस रैपिड फायर आया गया, भाई ऑप्शन लंबा है तो टाइम लगेगा, पढ़िए दोस्तों ध्यान से। दो 16वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन, क्लियर है ना, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, वर्षा वन में वह वनस्पति जो कैनोपी की छाया के नीचे पनपता है उसे क्या कहा जाता है। इन अ रेन फॉरेस्ट द वेजिटेशन विच ग्रो अंडर द शेड ऑफ कैनोपी इज कॉल्ड व्हाट। भाई ये सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं, ठीक है ना नेहा पोरवाल जी, तो भैया आप इसका आंसर करिए नेहा पोरवाल जी, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अंडर स्टोरेज, क्लियर है ना, अंडर स्टोर, उसे हम लोग अंडर स्टोर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल सेल। अब इस क्वेश्चन के लिए समय की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन आप 50 बार अपनी लाइफ में पढ़े होगे अगर तैयारी के लिए थोड़े से भी सिंसियर होगे तो। इस क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ आया नहीं कि ऑस्ट्रेलिया पे टिक करो और आगे बढ़ जाओ, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहित मल जो है उपचार का एक उदाहरण, इसका देखो आंसर आप नहीं कर पाओगे क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो उल्टा पुल्टा है, फिर भी मैं इसका आंसर करके आगे बढ़ूंगा। इसको हम लोग स्लज कहते हैं, क्लियर है ना, आप इसे छोड़िए। इराक का निम्नलिखित में से कौन सा शहर टिग्रिस नदी पर स्थित है, इसका आंसर करो। इराक का कौन सा शहर टिग्रिस, देखो ये सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं और आज बहुत सारे दोस्तों का रिवीजन भी हो रहा होगा। जीएस पढ़ने और याद करने का एकमात्र तरीका है कि एक ही चीज को चार चार पांच पांच छह छह बार पढ़ जाओ दोस्त, कैसे नहीं एग्जाम तक वो तैयार होगा, हिम्मत मत हारना। और इस आंसर का आंसर क्या है दोस्त, बगदाद। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बगदाद। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्तों ये रहा, तरंग अपवर्धन द्वारा, आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि तरंग अपवर्धन द्वारा भूमि रूप है, अब आपको बताना है तरंग अपवर्धन द्वारा भूमि रूप है, कौन सा भूमि रूप है भैया जरा बताइएगा तरंग अपवर्धन द्वारा। भैया मोबाइल भी तो चार्ज में, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आंसर करिएगा।
तरंग अपवर्धन द्वारा अपवर्धित भूमि रूप को हम लोग क्या कहते हैं दोस्त? केव कहते हैं, ठीक है ना, याद रखना गुफा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच फसल उगाने को क्या कहते हैं? कितने शानदार शानदार क्वेश्चन आ रहे हैं और मैंने इनके आंसर किए हुए हैं पिछले एक हफ्ते में, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैंने नहीं बताया है अपने दोस्तों को। तो लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच फसल उगाने को क्या कहते हैं दोस्त? याद रखना उसे हम लोग तांग्या सिस्टम कहते हैं। जबकि झूम कृषि क्या होती है? शिफ्टेड एग्रीकल्चर होती है। आज यहां कृषि तो कल आगे के जंगल काट करके खेती, नॉर्थ ईस्ट में अक्सर झूम कृषि फेमस है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर सी है। अगला, एक अपवाह प्रतिरूप जिसमें सहायक नदियां मुख्य नदी से लगभग समकोण पर मिलती हैं, उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, नीलेश परमार जी, साक्षी जी, स्वाति जी, कुमारी अर्चना भारती जी, एक अपवाह प्रतिरूप को क्या कहा जाता है? अंगद कुमार, रहीस खालिया, अदिति दुबे जी बताइएगा, दिलीप कुमार, रोहित, लखन गौड़, ब्यूटी तिवारी, एक अपवाह प्रतिरूप जिसमें सहायक नदियां मुख्य रूप से लगभग समकोण पर मिलती हैं, उसे हम लोग ट्रेलिस कहते हैं, याद रहेगा ट्रेलिस। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के क्रोर को और क्या कहा जाता है? जो पृथ्वी का क्रोर होता है दोस्त, उसको हम लोग अन्य किस नाम से जानते हैं? देखो ये क्वेश्चन ऐसे हैं, यदि आंसर याद होगा तो सिर्फ आपको क्लिक कर देना है कि सर ये है, और नहीं याद होगा तो भले जीएस का रैपिड फायर क्या जीएस के बाप आ जाए, आंसर नहीं हो पाएगा, आंसर होगा गुरुमंडल। क्लियर है ना, गुरुमंडल। अगला क्वेश्चन, ध्रुवीय क्षेत्रों में आबादी किसके कारण अत्यंत विरल होती है? बताइएगा ध्रुवीय क्षेत्रों में आबादी किसके कारण अत्यंत विरल होती है? याद रखिएगा दोस्त, अत्यंत विरल ध्रुवीय क्षेत्रों में इसलिए होती है क्योंकि अनुपयुक्त जलवायु स्थितियां होती है, वहां की जलवायु ऐसी नहीं होती है कि वहां ज्यादा लोग रह सकें। अगला क्वेश्चन, शैवाल प्रस्फुटन किसका परिणाम है? बताइएगा दोस्तों शैवाल प्रस्फुटन किसका परिणाम है? 26वें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्त वो होता है न्यूट्रिशन। क्या होगा इसका आंसर? न्यूट्रिशन इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, विश्व के महासागरों में से किस महासागर में सबसे चौड़ा महाद्वीपी मृग तट है? सबसे चौड़ा पूछ रहा है सारे महासागरों में से, तो बहुत आसान है, दुर्गा द्विवेदी जी, मनोज, वीना सिंह, पंकज कुमार कुशवाहा, किरण चौहान, 27वें क्वेश्चन का सही आंसर है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपी नदी कौन सी है? भैया अगर हम लोग साउथ इंडिया ऐसे बना दे तो यहाँ आपकी गोदावरी है, फिर कृष्णा है, कावेरी है, तो सबसे बड़े दूर में तो हमको गोदावरी ही दिख रही है, तो आंसर भी तो गोदावरी हो जाएगा, बिल्कुल आंसर तो आसान हो जाएगा गोदावरी। अच्छा अगला क्वेश्चन, भारत में लाल मिट्टी आमतौर पर किस क्षेत्र में पाई जाती है? अब एक बार 29-30 क्वेश्चन हुआ तो एक बार आपसे कहूंगा दोस्तों, प्लीज लाइक द शो एंड शेयर, ठीक है ना दोस्त? याद रखना भारत में लाल मिट्टी आमतौर पर किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो आमतौर पे जो लाल मिट्टी है दोस्त वो 29वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में। क्लियर है, दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में। अगला, निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक ताप अवशोषण करने की क्षमता होती है? ठीक है, तो बताइएगा हीट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी किस ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज्यादा होती है? निश्चित तौर पे दोस्त याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत यूनिक और बहुत अलग क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर है? सौर ऊर्जा उत्पादन में निश्चित तौर पे भारत का तमिलनाडु पहले स्थान पर है, याद रखिएगा, ठीक है ना, बिल्कुल। संस्कृति सैनी जी, लिप्सा सामल, अनुप्रिया सिंह जी, मनीष, दिव्या, विमलेश, संध्या रावत। अगला क्वेश्चन, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम से गंगा का उद्भव होता है? बताइएगा दोस्त, बहुत आसान है दोस्त, तो वो जगह जहां पे गंगा का उद्भव होता है दोस्त उसको हम लोग क्या कहते हैं? देवताओं का स्थान है भैया, देवप्रयाग है, आंसर क्या हो जाएगा? देवप्रयाग। अगला क्वेश्चन, करिश्मा जी, मोहम्मद आसफ, सुग्रीव पांडे, एंजल लहाने, अंजलि यादव, सिद्धार्थ सिंह जी, अगला क्वेश्चन, किस देश को मध्य रात्रि का सूर्य कहते हैं? मैंने बताया है मध्य रात्रि का सूर्य नॉर्वे को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के 10 से अधिक राज्यों द्वारा कौन सी नदी बेसिन साझा की जाती है? मतलब कौन सी ऐसी नदी है जो 10 से ज्यादा राज्यों में उसका बेसिन जो है वो साझा किया जाता है?
भैया शेयर नहीं हो रहा है, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक की तो बात दूर भाई, जब शेयर भी नहीं कर रहे हो आप लोग, एक बार दोस्तों शेयर करो। और भारत के 10 से अधिक राज्यों द्वारा कौन सी नदी बेसिन साझा की जाती है, याद रखना दोस्त उस नदी का नाम है गंगा, क्लियर है ना। कई लोग इसमें सिंधु पे टिक लगा रहे हैं जो कि गलत है। अगला रैपिड फायर, इनमें से कौन सा ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत है, याद रखना वाणिज्यिक कॉमर्शियल। ये क्वेश्चन जब मैंने पूछा था तो मेरे लाइव शो में कई दोस्तों ने गलत किया था, आज इस जीएस के रैपिड फायर शो में गलत नहीं होना चाहिए। कॉमर्शियल सोर्स पूछ रहा है भैया, निश्चित तौर पे फ्यूल, क्योंकि इस फ्यूल वर्ड के अंतर्गत कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस सभी आ जाएंगे। याद आया, मैंने पढ़ाया है ये आप लोगों को। अगला क्वेश्चन दोस्त आपके स्क्रीन पे ये रहा, आंसर करिएगा तो इसका 35वें का डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी वातावरण की सबसे ऊपर की परत है, सबसे ऊपर की परत पूछ रहा है भैया। तो निम्नलिखित में से वातावरण की सबसे ऊपर की परत स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मीजोस्फीयर या एक्सोस्फीयर, नाम से ही पता चल रहा है लल्लन टॉप कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है ना, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अच्छा, कई बार सोचते हो सर ये लल्लन टॉप क्या बोलते हैं, दोस्त लल्लन टॉप एक इलाहाबाद में रेडियो पे शो आता था, मैं उसको सुनता था, तो लल्लन टॉप शब्द वहां से, लल्लन टॉप इलाहाबादी, क्लियर है ना, ऐसे करके कोई शो था वहां से ये शब्द मेरा लिया हुआ है लल्लन टॉप। अगला, भारत में लाख का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, निश्चित तौर पे दोस्त लाख का जो सबसे बड़ा उत्पादन है झारझार, झारखंड, क्लियर है, कौन सा आंसर है, झारखंड। भैया एकदम मजेदार ढंग से जुड़ जाओ सब लोग, और एक बार सब लोग लिख दो लल्लन टॉप, क्लियर है, मजा आ जाए सभी लोग को। यार पढ़ाई तो होगी ही, मजा भी तो आना चाहिए, ऐसे मुंह बनाए दिन भर ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन, अरे भैया जीवन में आनंद नाम का भी कोई चीज है, जैसे आजकल विनोद नाम का चीज चला हुआ है। चलिए, दक्कन पठार का एक विशिष्ट उष्णकटिबंधीय पतझड़ पादप है, देखो भाई पढ़ाई से कोई मजाक नहीं, ठीक है ना, ठीक है ना, पढ़ाई से कोई मजाक नहीं, मस्ती में हम लोग अपने पढ़ाई का मूल काम तो नहीं छोड़ेंगे। रैपिड फायर के 38वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भैया, चंदन, क्लियर है ना। दक्कन पठार का एक विशिष्ट उष्णकटिबंधीय पतझड़ पादप वन है चंदन। अगला क्वेश्चन, करेंट अफेयर, भैया निखिल यादव अभी करेंट अफेयर की बात नहीं, गौरव सर सुबह बहुत शानदार करेंट अफेयर पढ़ा रहे हैं 6 बजे, आशीष सर सुबह 7 बजे, एक लोग एसएससी अड्डा पे, एक लोग अड्डा 247 पे, उन दोनों लोग से करेंट अफेयर पढ़िए, हमसे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़िए। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, भैया डेल्टा, भैया हम लोग जानते हैं कि ये जो तापी लिखा है ना, इसको ताप्ती कर देते हैं, इसको कर देते हैं ताप्ती, और यही ताप्ती है जो डेल्टा नहीं बनाती, दाप्ती डेल्टा नहीं बनाती, नर्मदा नदी भी डेल्टा नहीं बनाती, ये दोनों डेल्टा नहीं बनाती हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, मोबाइल चार्ज में लगा ले भैया, नहीं ये पता चला कि गायब हो गया शो के बीच में, ठीक है, अरे सर फाड़ के रख देंगे इस बार, बहुत बढ़िया कृष्णा त्रिपाठी, दोस्त यही उम्मीद है। ए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है भैया, ये 30वां पे मत जाना, बांधवगढ़ अपना मध्य प्रदेश, कान्हा मध्य प्रदेश, पेंच, कान, पन्ना सब मध्य प्रदेश में है, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ, कोई अगर गलत किया तो उसको डिजिटल डॉट डांट पड़ेगी, क्योंकि डिजिटल भैया दुनिया चल रही है तो डिजिटल डांट, मैंने ये पढ़ाया है, बताया है, समझाया है, सिखाया है। 41वें क्वेश्चन का आंसर आज आपकी जिम्मेदारी, बताओ भैया डिजिटल डांट वाट न पड़े, इसके लिए झट से बता दो आंसर क्या होगा। 28 जनवरी 1950, पहले जज हीरालाल जे कनिया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सर बहुत ताज क्लास चल रहा है पर प्लीज स्लो सर, अच्छा स्लो कर देते हैं भैया। अनुज सिंह कह रहे सर तेज क्लास चल रही है, अनुज यार क्लास का नाम है जीएस रैपिड फायर, आप बताओ रैपिड फायर में जब ट्रेन का नाम रखे हो आप बुलेट, ट्रेन का नाम रखे हैं आप कौन सी ट्रेन, बुलेट ट्रेन, तो काहे के लिए पैसेंजर ट्रेन बनने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी आप लोग के भारी मांग पे धीमा कर दिया हूं थोड़ा सा। किस केंद्र में द्विसदनी, भैया 1919 जिसे हम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं, इसी को हम लोग मॉर्ले मॉर्ले मिंटो नहीं, मॉन्टेग्यू चेम्स फोर्ड, ठीक है ना, मॉन्टेग्यू चेम्स फोर्ड, क्लियर है ना, चेम्स फोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्स फोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी इसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस
संशोधन द्वारा लाया गया समाजवादी शब्द। तो भैया जो समाजवादी शब्द है, ये जो समाजवादी SHABD शब्द है, जो वर्ड है समाजवादी, वो कैसे लाया गया है? तो निश्चित तौर पे 42वां संविधान संशोधन, जिसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, लघु संविधान। अगला निर्देशक सिद्धांत क्या है? भाई हम जानते हैं कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो हमारे संविधान के पार्ट 4 में आता है, आर्टिकल 36 से 51 तक में आता है, वो नॉन जुडिशियल है, गैर न्यायिक है। आगे बढ़े, ये लीजिए अगला क्वेश्चन ये रहा, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अक्सर लोग गलत आंसर करने वाले हैं, सावधान मेरे दोस्तों, जो लोग पिछली बार गलत किए थे इस बार गलत नहीं होना चाहिए, रैपिड फायर का नाक नहीं कटना चाहिए। जीएस रैपिड फायर मतलब लल्लन टॉप तेजी होनी चाहिए, सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन। कोई बात नहीं, जीनल सोनी, अखिल, पूजा, संजू, विशाल, श्रेयांशी, अभिजीत, वर्षा राजपूत। अगला क्वेश्चन ये रहा, सर्वोदय योजना का मसौदा किसने तैयार किया था? सर्वोदय योजना, मैंने भैया एकदम बताया है कि जयप्रकाश नारायण, इन्होंने 1976 में कांग्रेस का तख्ता पलट कर दिया था जेपी आंदोलन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना, सर पहली पंचवर्षीय योजना 1951-52 में शुरू हुई थी, ये कृषि को डेडिकेटेड थी और 1956 में समाप्त हुई थी, और भैया सभी को याद है किस मॉडल पे आधारित थी, पहली दूसरी तीसरी पूछता रहता है, एक आपके हेराल्ड डॉमर मॉडल है, एक आपके पीसी महाल नोबिस मॉडल है। अगला, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? भैया पांचवी पंचवर्षीय योजना गरीबी दूर करना, इसी के अंतर्गत 20 सूत्री कार्यक्रम भी चलाए गए थे, याद रहेगा 20 सूत्री कार्यक्रम, क्लियर है ना, कार्यक्रम क्लियर है, 20 सूत्री कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? भाई जरा बताइएगा। अच्छा मैं एक चीज देख रहा हूं, आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, ठीक है सर, आप राहुल रावत मेरा गला ठीक है मेरे दोस्त, आंसर करो मजा आ जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? महाल नोबिस साहब कहां है? डी ऑप्शन। 50वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, भारतीय संविधान के तहत पहला आम चुनाव कब आयोजित किया गया था? पहला आम चुनाव, भाई भारतीय संविधान के तहत पहला आम चुनाव जो हुआ था 1951-52 के सेशन में हुआ था। एक आपसे मेरा निवेदन है, एक बार दोस्तों शेयर करो लेक्चर को, क्योंकि हम लोग 50 क्वेश्चन आपको जब पढ़ा लिया तो एक बार तो आपसे कह ही सकता हूं कि एक बार शेयर और एक बार लाइक कर दो। मैं 20 सेकंड के लिए शो को रोक रहा हूं, 20 सेकंड, 20 से 30 सेकंड प्लीज दोस्तों, शेयर करने के लिए रोका हूं, शेयर कर दीजिए। राजू कुमार जी बिल्कुल आपका नाम लेंगे, ठीक है ना, और अनु सिंह जी भैया एक बार शेयर करो, रमन, साक्षी, श्रेया, सतीश, कंचन पांडे, एंजल लहाने, हिमांशु, सुनील राजोरिया, शेयर कर दो एक बार भैया, 20-30 सेकंड के लिए शेयर है, क्लियर है ना। चलो भैया 20 सेकंड बीतने वाले हैं, एक बार शेयर करके सिर्फ वापस आ जाइए, ठीक है, फोर्थ होगा, ठीक है, तो एक बार मैं जरा चला जाऊं तो, कौन कह रहा है, नालायक। अगला, किसने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है? पवित्र दस्तावेज भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है, ठीक है ना, भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है, ठीक है। आप लाइट और मॉर्निंग, ठीक है सर, आप लाइव कब होते हैं मॉर्निंग में? अभिषेक कुमार यादव जी सुबह 11 बजे, ये मेरी टाइमिंग भी लिखी है, ठीक है, सुबह 11 बजे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, संविधान का कौन सा संशोधन दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? ठीक है बताइएगा, तो दल बदल विरोधी कानून से कौन सा संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन, ठीक है ना, 52वां संविधान संशोधन। अतुल, काजल, अनुप्रिया, निरंजन, दामिनी, नेहा शर्मा, जरा आदित्य प्रताप जी अगला क्वेश्चन का आंसर करो, भारत में संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? याद रखना दोस्त, भारत में संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो निश्चित तौर पे भारत में संविधान का संरक्षक हम लोग किसको कहते हैं? आपके संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या सुप्रीम कोर्ट, गार्जियन है अपना, क्लियर है। अगला, निम्नलिखित संविधान, लिखित संविधान की परंपरा किस देश से शुरू हुई? भैया यदि हम लोग लिखित की बात करेंगे तो सबसे पहले अमेरिका एकदम संविधान लिख के एकदम टाइट हो गया था, ब्रिटेन का तो आज तक लिखित नहीं है, अलिखित संविधान है, ठीक है ना। तो अतुल गौरव, अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का पूर्ण नाम क्या है? नीति आयोग ना,
तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ए ऑप्शन बहुत आसान है। अगला, पंचायती राज प्रणाली को अपनाने वाला दूसरा राज्य पूछ रहा है, दूसरा राज्य, पहला तो राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ, दूसरा भैया आंध्र प्रदेश, दूसरा कौन था तो आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन रैपिड फायर का 57वां क्वेश्चन, लेकिन इसको कर दे हिंदी में। अध्यक्ष और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए समिति का कौन, समिति का सदस्य कौन नहीं है? दोस्त याद रखना, राज्यों के परिषद में विपक्ष का नेता, ठीक है, राज्यों की परिषद के अध्यक्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, मतदान के लिए आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया, जो किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम है? क्लियर है? तो भाई याद रखना, 61वां संविधान संशोधन 1989 के समय दोस्त वोटिंग एज 21 वर्ष से घटाके 18 वर्ष कर दी गई। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के प्रावधान का उल्लेख है, मतलब इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में? अब देखो, जीएस का रैपिड फायर भले चल रहा है, लेकिन अगर आंसर याद है तो 2 सेकंड में इसका आंसर आएगा, नहीं याद है तो फिर समय की जरूरत पड़ेगी, और बीत चुका 2 सेकंड, आर्टिकल 324, ठीक है। बताओगे आप अभी, मुस्कान जी 100 क्वेश्चन तो कम से कम 100 क्वेश्चन, उससे ज्यादा ही जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद इसके पहले राष्ट्रपति नहीं अध्यक्ष वर्ड का प्रयोग किया जाएगा, पहले अध्यक्ष कौन बने जरा ये बताइएगा, क्लियर है ना? पहले अध्यक्ष कौन बने? अपने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। 25 दिसंबर जिनकी याद में हम लोग गुड गवर्नेंस डे भी मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट आंशिक रूप से किस वर्ष में दो दलों में सीपीआई और सीपीआईएम में विभाजित हुआ? दोस्तों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना, मैंने पहली बार भी पूछा था तो आप लोग आंसर नहीं किए थे, आज दूसरी बार कह रहा हूं कि नालायक नहीं बोल सकते, अभी तक 10 रिजल्ट हो चुका है, मैं रेलवे में जॉब करता हूं। बहुत बढ़िया पुरुषोत्तम कुमार जी, भैया देखो पुरुषोत्तम दोस्त कह रहे सर आप हमें नालायक मत बोलिए, पुरुषोत्तम आप 10 नहीं भगवान करे आप 20 एग्जाम निकालो, आप यूपीएससी निकालो दोस्त, हम तो प्यार से कहते हैं दोस्त, उसके लिए तो बुरा मानना ही नहीं चाहिए। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? बिल्कुल दोस्त, बलवंत राय मेहता, क्लियर है, याद रहेंगे बलवंत राय मेहता। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के तहत समाज के समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने का निर्णय लिया गया? समाज के समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने की बात कर रहा है भैया, तो अगर समाजवादी स्वरूप की बात कर लोगे दोस्त तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि समाजवादी स्वरूप की बात किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी बताइएगा, और मैंने ये सब आपको आंसर किया हुआ है, मैं 3 क्वेश्चन लगातार इकोनॉमिक्स के हैं, तीनों के आंसर करो, मैं आंसर नहीं, आप में से मुझे आंसर चाहिए, आप लोग आंसर करिए। अगला क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? आसान है यार कि 2012 से लेके 17, ठीक है, चलो मैं कर दे रहा हूं। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रोटेंजन। याद होगा तो तुरंत आंसर होगा, नहीं याद होगा तो आंसर ही नहीं होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, परमाणु बम का विकास किसने किया? भैया याद आ रहा है मैंने बताया था परमाणु बम, भैया इसी परमाणु बम, आज 9 अगस्त है, नागासाकी और हिरोशिमा पे क्या गिराया गया था? परमाणु बम गिरा दिया गया था, और इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, क्लियर है ना, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। अगला क्वेश्चन, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? हु डेवलप द मिसाइल? वैसे तो हम लोग मिसाइल मैन अपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को कहते हैं, लेकिन उसका विकास किसने किया? तो याद रखना, वर्नेस वॉन ब्रोन ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? आप जानते हो कि परमाणु बम से ज्यादा खतरनाक हाइड्रोजन बम, आंसर करो, क्योंकि यार देखो 67 क्वेश्चन बोलने में गला सूख जाता है, तो थोड़ा सा पानी तो पी लेना चाहिए ना, ठीक है। हाइड्रोजन बम का विकास किसने किया था? तो निश्चित तौर पे आपके एडवर्ड टेलर ने। अगला क्वेश्चन, ठीक है, एडवर्ड टेलर ने। ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया दोस्त? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? नोल और रुस्का ने। देखो सारे क्वेश्चंस बड़े शानदार हैं। स्कूटर के आविष्कारक कौन है? मैंने ये आपको पढ़ाया है, कर रहे हो बच्चों के आंसर, अजय कुमार
ये बच्चे जो आप जिनको कह रहे हो ना, ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, इनको मैंने पूरे हफ्ते पढ़ाया है और शायद आपको नहीं पता कि ये जीएस का रैपिड फायर चल रहा है। अजय कुमार ने कमेंट किया, सर सर तो कहे नहीं पहले, वो बोले आंसर कर रहे हो, बच्चों के आंसर नहीं ले रहे हो। बच्चों के आंसर जब मैं निगाह नीचे करता हूं ना तो देख ही लेता हूं, ठीक है। आप यहां नए होंगे, बाकी हमारे सारे दोस्त पुराने ही हैं। स्कूटर के आविष्कारक हैं भैया, स्कूटर ब्रॉडसा याद है। अगला क्वेश्चन, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड, और मेरे सारे दोस्तों को पता है, ये एक बार पढ़ाने के बाद मैं पूछ रहा हूं, रिवीजन करवाने के बाद पूछ रहा हूं, सभी मेरे दोस्त जानते हैं। बताना दोस्त, सापेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है, तो भैया रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर कहीं है? बिल्कुल बी ऑप्शन पे, बी ऑप्शन पे है। और भैया अगला क्वेश्चन, जीएस रैपिड फायर का नाक नहीं कटना चाहिए, क्वेश्चन का आंसर तेजी से होना चाहिए। ऊंचाई नापने के लिए भैया अल्टीमीटर याद है कि नहीं? ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सूर्य की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो सूर्य की तीव्रता को मापने वाले उपकरण को, देखो बहुत ध्यान से, बैरोमीटर तो होगा नहीं, और एक्टिनोमीटर ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है, कि यही हो सकता है, बताइएगा। देखो भाई कंफ्यूज मत होना, इसका आंसर एक्टिनोमीटर ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? भाई ये क्वेश्चन बीसों बार आप लोग पढ़े होंगे कि सोनार, उस उपकरण का नाम क्या है? सोनार है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ थर्मोस्टेट? भाई थर्मोस्टेट का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? तापमान के स्थिर रखने को जो हम लोग मापते हैं तो थर्मोस्टेट का प्रयोग होता है, क्लियर है ना। तो मेजरिंग थर्मोस्टेट, तापमान को स्थिर रखना, ठीक है, थर्मोस्टेट। अगला, निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा रखने में उपयोग किया जाता है? आंसर करो दोस्त, इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा रखने में प्रयोग करते हैं? निश्चित तौर पर रेडिएटर। आप गांव में जाइए, ट्रैक्टर वगैरह गर्म हो जाती है, लोग कहते हैं थोड़ा रेडिएटर में पानी डाल दो भैया, तो वो किस लिए होता है? कि उन्हें ठंडा रखा जा सके, क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, रिकॉर्ड करने और रिकॉर्डिंग की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? बताइएगा दोस्तों, क्या कहा जाता है? भाई एक बार लाइक तो कर दो, लाइक की संख्या अभी भी कम चल रही है, रिकॉर्ड करने। और दोस्तों जो मेरे नए दोस्त है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त, प्लीज माय रिक्वेस्ट फॉर यू कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? तो डिक्टाफोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, कॉस्मिक किरणों की खोज की, देखो भैया जीएस का रैपिड फायर चल रहा है इसलिए क्वेश्चंस बड़े तेजी से आ रहे हैं, तो आंसर भी उतना ही तेजी से करो। कॉस्मिक किरणों की खोज करने वाले कौन है भैया? तो बिल्कुल ऑप्शन कई है भैया, पहले आप बताइए, विक्टर हेंस, क्लियर है ना, विक्टर हेंस इसका सही आंसर है। दिक्कत तो नहीं हो रही ना, स्पीड सही है ना दोस्त? देखो मजबूरी है, जीएस का रैपिड फायर शो चल रहा है, नॉर्मल शो नहीं ले रहा हूं, क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन, रडार के आविष्कारक कौन थे? रडार बहुत आसान है, और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि यदि याद हो तो 2 सेकंड में आंसर है, और नहीं याद हो तो आप दिन भर बैठे रहो, आंसर नहीं कर पाओगे। इसका आंसर होगा रॉबर्ट वॉटसन, रडार के आविष्कार आर वॉटसन है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ऋतिक कुमार जी दिल्ली पुलिस वाले बैच में मैं संडे को स्पेशल क्लास लेके आऊंगा, पेड बैच में भी मैं रहूंगा। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक है भाई, गुरुत्वाकर्षण सभी लोग जानते हैं कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम दिए गए हैं, न्यूटन ने दिया है, ठीक है ना, सही सोचा और दूसरा बोला, ठीक है, बहुत बढ़िया जीनल सोनी। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे शुरू हुआ, जिन्होंने खोज की थी, किसकी खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल ने? बताइएगा दोस्त, अल्फ्रेड नोबेल ने नोबेल पुरस्कार अपने आविष्कार डायनामाइट के नाम पे डेडिकेटेड किया, जब उन्हें पछतावा हुआ कि मैंने एक मानव विध्वंसक चीज बना दी है, तो उसके द्वारा मिलने वाली हर धनराशि को उन्होंने नोबेल पुरस्कार के लिए समर्पित कर दिया। अगला क्वेश्चन, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया है? टेलीविजन, बताइएगा दोस्तों टेलीविजन का आविष्कार किसने किया है? और भैया टेलीविजन का आविष्कार जे एल बेयर्ड ने किया है, जे एल बेयर्ड। अगला क्वेश्चन,
राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया? जीएस का रैपिड फायर चल रहा है इसलिए थोड़ा तेज क्वेश्चन आएंगे, रुक रुक के नहीं आएंगे। और राइट ब्रदर्स ने भैया एरोप्लेन का आविष्कार किया, क्लियर है, एरोप्लेन का किया। अगला क्वेश्चन, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? सापेक्षता का सिद्धांत, तो सापेक्षता, अगला पिछला क्वेश्चन क्या था, हाँ ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो सापेक्षता का सिद्धांत, थियरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन साहब ने E=mc² प्रोवाइड किया, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, आप बहुत अच्छे हैं रियली, हमारे सुपर हीरो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? देखो दोस्त, इस शो के माध्यम से आपके क्वेश्चन रिवाइज हो रहे हैं, तेजी से आंसर करने की क्षमता बढ़ रही है आपका। जब आप कभी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दोगे तो जल्दी जल्दी अगर तैयार होगा तो आंसर करोगे, लेकिन केयरफुल होकर के, क्लियर है ना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आर्किमिडीज, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर नाम है, बताइएगा दोस्तों, जो ब्लीचिंग पाउडर है वो किसका नाम है? अब मैं देख रहा हूं भैया, ब्लीचिंग पाउडर तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, याद रहेगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, बिल्कुल दोस्त, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला, सभी कोयलों में उन्नतम कोयला है, उत्तम, सबसे हाईएस्ट, सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है, बताइएगा। सबसे अच्छे क्वालिटी का कोयला जो होता है भैया, उसका नाम है एंथ्रासाइट कोयला, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, लैन जिसका पूर्ण रूप है, लैन का फुल फॉर्म क्या है? यार बस इतना सा पूछ रहा है, छोटे में बता दो, जीएस के रैपिड फायर की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। लोकल एरिया नेटवर्क है कहीं? बी ऑप्शन, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये दिल्ली पुलिस, भाई आप चाहे दिल्ली पुलिस का एग्जाम दो, चाहे आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम दो, एनटीपीसी का एग्जाम दो, सीएचएसएल का एग्जाम दो, सीपीओ का एग्जाम दो, गारंटी लेता हूं क्वेश्चन का लेवल ऐसा ही रहेगा, और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेंगे दोस्त। जीएस ऑलमोस्ट सेम है, क्लियर है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति सबसे अधिक व्यापक है, तो याद रखना दोस्त, सुंदरबन, सुंदरबन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में अधिकतम वन आवरण है? भैया मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जंगल है और सबसे ज्यादा वन आवरण है, यहां प्रतिशत वाइज नहीं पूछा है, ओवरऑल पूछा था, तो ये इसका सही आंसर है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, यूनानियों ने इस फसल को सिंधोन के रूप में उल्लेखित किया, जो कि शब्द सिंधु से भी उत्पन्न है, यह फसल कौन सी है? जीएस का रैपिड फायर है, इसलिए आपको थोड़ा जल्दी आंसर करना पड़ रहा है, परेशान मत होइए, आंसर करिए, बिल्कुल पीडीएफ वीडीएफ सब मिलेगा, आंसर करो। और मेरे सारे पुराने दोस्त जानते हैं, एक एक क्वेश्चन पढ़ाया हूं आज शायद तीसरी चौथी बार उनका रिवाइज हो रहा होगा, इसीलिए तो गारंटी लेता हूं कि रेलवे हो चाहे दिल्ली पुलिस, सिलेक्शन करवा के रहूंगा, हार नहीं मानूंगा, कॉटन इसका आंसर है, क्लियर है ना, कॉटन इसका आंसर है, कपास। अगला क्वेश्चन, ठीक है ना, कौन सा शहर ऑरेंज सिटी के रूप में जाना जाता है? ऑरेंज सिटी, ऑरेंज सिटी भैया नागपुर, राहुल द्रविड़, प्रसिद्ध भूतपूर्व भारतीय क्रिकेटर और कप्तान राहुल द्रविड़ का ससुराल भी है नागपुर, क्लियर है। अगला, क्षेत्रफल के संदर्भ में दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? क्षेत्रफल और ताजा पानी, दो वर्डों का कॉम्बिनेशन बना दिया है, बताइएगा। तो भाई याद रखिएगा, भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्लियर है ना। इस क्वेश्चन का आंसर होगा लेक सुपीरियर, चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। मैं डेली सुबह 11 बजे रेलवे के लिए और शाम 7:15 बजे एसएससी सीएचएसएल सीपीओ दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ाता हूं, ये रहा सेशन। निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है? यदि दोस्त ऑप्शन के हिसाब से हम लोग बात करें तो निम्न में सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी ही है, क्लियर है ना, कौन सा है भैया? न्यू गिनी। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में है, 100वें क्वेश्चन के पास पहुंचने वाला हूं, प्लीज दोस्तों एक बार शानदार तरीके से लाइक करके कम से कम 700 लाइक पहुंचा दो, रिक्वेस्ट है दोस्तों। और इस क्वेश्चन का 95वें क्वेश्चन का आंसर है हैदराबाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है? 100वें क्वेश्चन पे एक बार रुकूंगा, आप लोग शेयर कर देना प्लीज, माय डियर फ्रेंड्स शेयर जरूर कर देना, किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है दोस्त? तो याद रखिएगा, वैसे सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है यूएसए में, क्लियर है ना, यूएसए में, जब यह क्वेश्चन पूछा था तो इसका आंसर क्या है? यूएसए। अगला क्वेश्चन दोस्त, कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक निश्चित तौर पे वर्ल्ड वाइड देखोगे तो चाइना, और भारत में देखोगे तो उत्तर प्रदेश,
भारत पे प्रतिशत के हिसाब से देखोगे तो पंजाब। अगला, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? भाई दिल्ली का प्रथम सुल्तान ऑप्शन के हिसाब से तो कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन पहला ऑथराइज सुल्तान, वैधानिक सुल्तान इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक भैया हम लोग अरस्तु जी को कहते हैं, अरस्तु चाचा को कहते हैं, ठीक है ना। आखिरी में मेरा क्वेश्चन बता दीजिएगा सर प्लीज। प्रांजल मिश्रा तुम्हारा क्वेश्चन ही मुझे अब नहीं पता, जैसे अवधेश सोलंकी कब से कह रहे हैं 53वें का आंसर बताओ, इनके 100 बार लिख देने से मैं थोड़ी बता दूंगा कि अब मैं 100 इतने बच्चों को छोड़ के 53वें क्वेश्चन पहुंच जाऊं। अगला क्वेश्चन, भारतीय ध्वज में उपस्थित चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? भाई ये क्वेश्चन तो बेइज्जती ना हो दोस्त, 24, क्लियर है ना, 24। 100वां क्वेश्चन आ चुका है, अब एक बार आपसे रिक्वेस्ट है शेयर कर दीजिए। जाति संसद का सर्वोच्च विधायी निकायक है, जाति संसद कहां का सर्वोच्च, मतलब कहां के पार्लियामेंट का नाम है यार जाति संसद? आप अच्छे से जानते हो, स्वीडन का रिक्सडाग है, नॉर्वे का स्टोर्ग है, डेनमार्क का फोलकटिंग है, तो बांग्लादेश का जाति संसद है, ठीक है ना, बांग्लादेश का क्या है, जाति संसद है। अब दोस्त अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आर्य समाज के द्वारा प्रारंभ किया गया था, आर्य समाज किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? सभी को याद होगा आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में की थी, याद है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप में प्रथम विश्व, आज दोस्त 9 अगस्त भी है, प्रथम विश्व युद्ध में 9 अगस्त के ही दिन नागासाकी और 6 अगस्त हिरोशिमा, 6 अगस्त और 9 अगस्त को बम गिराए गए थे, एक बम का नाम था लिटिल बॉय और एक बम का नाम था फैट मैन, क्लियर है ना, लिटिल बॉय 6 अगस्त को, फैट मैन 9 अगस्त को गिराया गया था 1945 में, यह बम गिराया गया था। दोस्तों थोड़ा सा याद रखिएगा, थैंक यू सो मच, इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस क्वेश्चन का प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में लड़ा गया था। देखो दोस्त जीएस का रैपिड फायर चल रहा है तो क्वेश्चन तो थोड़े तेजी से आएंगे, क्लियर है ना, क्वेश्चन थोड़े तेजी से आएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है बताइएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? साथ ही साथ मैं आपसे पूछ दूंगा वीर सावरकर कहां स्थित है, वीर सावरकर हवाई अड्डा कहां स्थित है बताइएगा दोस्त, आपके बीजू पटनायक हवाई अड्डा कहां स्थित है, बीजू पटनायक। और आपको पता है कि कल ही केरल में कोझिकोड में एक दुखद हवाई अड्डा पे दुर्घटना, एक प्लेन क्रैश कर गई जिसमें बहुत से यात्री और उसके पायलट की दुखद मृत्यु हो गई। तो अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया है, बीजू पटनायक उड़ीसा में मौजूद है हवाई अड्डा। वीर सावरकर की बात करेंगे तो पोर्ट ब्लेयर में है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात करेंगे तो आगरा में है, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करेंगे तो वाराणसी में है, जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट की बात करेंगे तो आपके पटना में है, चौधरी चरण सिंह की बात करेंगे तो लखनऊ में है, और दोस्त कैंपे गोड़ा की बात करेंगे तो बेंगलोर में है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करेंगे तो अहमदाबाद छोड़ के हम कहां जाएंगे, क्लियर है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, किस देश में विश्व का सबसे बड़ा डाक जाल क्रम है? भैया डाक खाना हम ही लोग चिट्ठी भेजते हैं सबसे ज्यादा, इंडिया, अपना भारत देश महान, इंडिया इसका राइट आंसर है दोस्त, इंडिया इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। चलिएगा अब अगले क्वेश्चन का आंसर करिएगा दोस्तों, कि अगले देखो मोबाइल चार्ज में लगाने में बड़ा डर लगता है यार, इसका ये तार वार हिल जाता है ना तो फिर दिखता नहीं है, ठीक है तो लगा दू एक बार मैं चार्ज में, तब तक अगला क्वेश्चन ला दू, ये आप लोग आंसर करिए। सीबीएसई भैया अभी आप जानते हो कि आज ही हम लोगों के कल कैग ने शपथ लिया है, जीसी मुर्मू जी जम्मू कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त हो गए हैं, मनोज सिन्हा जी, यहाँ पे मुर्मू जी मौजूद हैं तो यहाँ पे मनोज सिन्हा जी मौजूद हैं तो भैया यहाँ पे आपका कौन हो जाएगा, सीबीएसई का नया चेयरमैन मनोज आहूजा जी मौजूद हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्तों ये रहा, अगला, भारत में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? मैंने पढ़ाया है, बताया है, रटवाया है, मेरे सारे पुराने दोस्तों को याद होगा कि भारत में मुख्य सूचना आयुक्त दोस्त विमल जुल्का जी, विमल जुल्का जी मुख्य सूचना आयुक्त हैं। अच्छा अभी के कैग तो बन गए हैं आपके मुर्मू साहब, लेकिन इनसे पहले कौन थे? राजीव महर्षि जी, उनका भी नाम भूलना नहीं है, क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन, यूनिसेफ का मूल अर्थ है,
दोस्तों यूनिसेफ पहले यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल इमरजेंसी फंड के रूप में जाना जाता था, अब हम लोग इसका नाम 1960 के बाद चेंज हुआ है जब ये यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बन गया है, पहले इसका यही ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, विश्व एड्स दिवस। इतना आसान क्वेश्चन है कि इसके लिए रुकने की तो जरूरत है नहीं कि विश्व एड्स दिवस, थोड़ा सा यार मोबाइल डिस्टर्ब कर रहा है मुझे, आप बताइएगा विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो भैया विश्व एड्स दिवस की यदि हम लोग बात कर लेंगे कि कब मनाया जाता है, तो आपको पता है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 दिसंबर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना, 1 दिसंबर इसका आंसर हो जाएगा। और ये पलट दिया, भोपाल में पैदा हुए पटौदी के नवाब थे, ठीक है ना, आपको उनका नाम पूछ रहा है जो भोपाल में पैदा हुए थे, तो भोपाल में पैदा हुए पटौदी के नवाब का नाम क्या है भैया बताइएगा, मंसूर अली खान पटौदी साहब, क्या नाम है उनका, मंसूर अली खान पटौदी साहब। अगला क्वेश्चन, मृदा जो बहुत कम जल अवशोषित, मृदा वर्ड काट दो, मैंने उस समय भी काटा था, जो बहुत कम जल अवशोषित करती, इन चारों ऑप्शन में से बालू, बालू सबसे कम अवशोषित करती है, ठीक है, निखिल त्रिवेदी। कुछ ही क्वेश्चन और बचे हैं दोस्त, ध्यान पूर्वक और बहुत केयरफुली। अगला क्वेश्चन क्या है, तारपीन के तेल का शुद्धिकरण किया जाता है। दोस्तों जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों प्लीज चैनल सब्सक्राइब करो, ये आपसे एक रिक्वेस्ट है। और मैं डेली सुबह 11 बजे पढ़ाता हूँ, शाम 7:15 बजे क्वेश्चन तेज करवा रहा हूँ, क्योंकि जीएस का रैपिड फायर चल रहा है। जो दोस्त बाद में जुड़े हों जान ले कि जीएस के रैपिड फायर की वजह से क्वेश्चन तेज करवा रहा हूँ। और भाई इसका आंसर हो जाएगा बाई स्टीम डिस्टिलेशन, भाप आसवन द्वारा, ठीक है, भाप आसवन द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में विद्युत ऋणात्मकता का सही क्रम है। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि विद्युत ऋणात्मकता का सही क्रम फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दो पिंड एक दूसरे के विरुद्ध रगड़े जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन को खोएंगे या इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेंगे, या फिर एक इलेक्ट्रॉन खोएगा एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, या तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं, बताइएगा, ठीक है ना। तो एक दोस्त लिख रहे हैं सर लाइक कर दिए हैं 5 बार, बहुत बढ़िया मदन, थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन अभी भी लाइक 1000 पहुंचने की स्थिति में नहीं है दोस्त, प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स एक बार तो लाइक कर दो। और भाई इसका आंसर हो जाएगा वन विल लूज एंड अनदर विल गेन इलेक्ट्रॉन। दोस्तों एक बार लेक्चर को शेयर कर दीजिए, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है दोस्त, आप जो भी, अगर आपको लग रहा है कि इतने क्वेश्चन संडे को भी आके सर जीएस के रैपिड फायर में पढ़ा रहे हैं, तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है लेक्चर को शेयर कर दो प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स। और जो मेरे नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्लियर है ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्त। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 115वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्त, गतिमान वस्तु के इन सभी कारकों पे, घर्षण बल भार पे भी डिपेंड करेगा, क्षेत्रफल पे भी और आकार पे भी, क्लियर है ना। बहुत बढ़िया सुदीपा मोंडाल जी, पराग कण उत्पन्न होते हैं, कहां उत्पन्न होते हैं पराग कण, आपके वर्तिकाग्र में या प्यूपिल में या स्टाइल में, ये इसका हिंदी से ही आप आंसर कर दीजिएगा, इंग्लिश वाले को काट दो, क्लियर है ना, वैसे इसका आंसर होगा इन द पॉलन, क्लियर है ना, इसका इंग्लिश वाले काट दो, इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसके इंग्लिश वाले मैंने सारे ऑप्शन कट कर दिए हैं, हिंदी वाले से आंसर कर दीजिएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पराग कोष। अगला, एक रेतीली जमीन पर बिखरी हुई लोहे की किलो को एकत्रित करने में बल प्रयुक्त होता है वह है, भैया वो कौन सा है, तो याद रखना वो है आपका लोहे की कील है, तो मैग्नेटिक फोर्स लगा दो वो ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगी, क्लियर है कि नहीं, ठीक है ना। चलिएगा सीएम ऑफ सीजी जी ज्योति प्रसाद, अगला क्वेश्चन थोड़ा स्पीड कम करो, अच्छा रूबी यादव कह रही है कि थोड़ा स्पीड कम करो, लेकिन रूबी यादव आपको बता दे कि ये जीएस का रैपिड फायर है, ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा सा स्पीड कम कर सकता हूं। सर आई हैव वन क्वेश्चन टू आस्क यूनिक ऑफिशियल जी, बट आई हैव नो टाइम टू टेल यू द आंसर, यूनिक ऑफिशियल बोले सर आई हैव वन क्वेश्चन टू आस्क बट आई हैव नो टाइम प्रेजेंटली, आप कभी और आराम से आइएगा, रैपिड फायर में दोस्त आंसर करने दो बस, क्लियर है। 118वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इंग्लिश वाले से इसका आंसर करना है, इंग्लिश से इसको पढ़ोगे हिंदी वाले में कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन, क्लियर है, बाय रोटेटिंग द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, राइजोबियम
अच्छा उदाहरण है किसका, याद रखेगा दोस्त, राइजोबियम सहजीवी का अच्छा उदाहरण है, ठीक है ना। घर के सभी फोन से सब्सक्राइब कर लिया है, लव यू सर, बहुत बढ़िया अनु सिंह, बहुत बढ़िया, ठीक है। मदन कुमार, थैंक यू सो मच दोस्त, पढ़ते रहो, जीएस मजबूत हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, जीवन में वृद्धि तथा संतुलन बनाए रखने के लिए अनिवार्य अमीनो एसिड्स की संख्या कितनी होती है दोस्त, याद रखना कि 8 होती है, क्लियर है ना, कितनी होती है तो 8 होती है। अगला सेक्शन शुरू हो रहा है, ये भारत में सबसे अधिक संख्या में आर्किड का उत्पादन करने वाला राज्य है, कौन है जो सबसे अधिक संख्या में आर्किड का उत्पादन करता है, करके भैया बताइएगा, आर्किड का उत्पादन सबसे अधिक संख्या में कौन करता है, बताओ यार। ये ना मैं ना बीच बीच में ना इसको लेके बड़ा, चार्जर को लेके बहुत परेशान हो जाता हूं, इसका काम गड़बड़ हो जाता है, बताओ तो एक बार तो इसको मैं, क्योंकि ये नहीं रहेगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए चलिए आंसर करिएगा दोस्तों, यार 800 लाइक हो गया है और हम लोग चाहेंगे तो 1000 लाइक तो पहुंचा ही सकते हैं, क्लियर है ना। तो 1000 लाइक के लिए आपके मदद के बिना संभव ही नहीं है कि मैं 1000 पहुंच सकूं, प्लीज दोस्त 1000 लाइक पहुंचाइए। भारत में सबसे अधिक आर्किड का उत्पादन करने वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, क्लियर है ना, अरुणाचल प्रदेश। अगला, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व जैव मंडल आरक्षित नेटवर्क में शामिल नहीं है, सबका रिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो सतीश गोयल जी इसका आंसर होगा कार्बेट, क्लियर है, इसका आंसर होगा कार्बेट। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये क्वेश्चन इतनी बार दिल्ली पुलिस, सीपीओ, सीएचएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी सब में पूछता है और आंसर है त्रिपुरा, तीन ओर से त्रिपुरा, क्लियर है ना, यही तो है त्रिपुरा, आज के बाद कभी भूलोगे, तीन त्रिपुरा, तीन त्रिपुरा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, मनीष कुमार पोद्दार जी आपके स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में से किसे श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है, व्हाइट एलिफेंट लैंड, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो भैया इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा सही आंसर, थाईलैंड, बिल्कुल थाईलैंड, व्हाइट एलिफेंट, क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन, प्रवणता को दर्शाने के लिए मानचित्र पे खींची गई असंगति रेखाएं हैं, ठीक आ गई भाई, सॉरी इसके लिए, एक बार लाइक तो बनता है ना, 125वें पे आ गए हैं, रैपिड फायर में चल रहे हैं, एक बार लाइक करिएगा, थोड़ा आगे बढ़िएगा। अच्छा, 125वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, रेखा छादन, हिंदी वाले से आंसर करिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन, भारत में कौन सा सबसे छोटा दिन है, भैया सबसे छोटा दिन मैं बताता हूं 22 दिसंबर है, 22 दिसंबर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, वर्षा और बर्फ के मिश्रण के रूप में वर्षण को कहा जाता है, मिक्सचर ऑफ रेन एंड स्नो क्या कहा जाता है, बस इतना बता दो, मिक्सचर ऑफ रेन एंड स्नो, मैंने पढ़ाया है, सिखाया है, बताया है, तब आज पूछ रहा हूं, तब आज जीएस रैपिड फायर ले रहा हूं कि तेजी से आंसर करो। और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा तुषार वर्षा, ठीक है ना, तुषार वर्षा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, भारत में पश्चिमी, ये तात नहीं घाट होगा, भारत में पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, ठीक है ना, GHAT, ठीक है, घाट, भारत में क्या कहते हैं दोस्तों, एक बार बताइएगा दोस्तों, एक बार लाइक कर दोगे ना तो 900 के पार तो हम लोग पहुंच ही जाएंगे और 128वें क्वेश्चन का आंसर कर ही लेंगे, कोंकण तट, क्लियर है ना, एक बार मात्र लाइक करिए 900 के पार, अगली बार 1000 पार। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सा अभयारण्य गैंडो के लिए प्रसिद्ध है और किस राज्य में स्थित है, गैंडो के लिए प्रसिद्ध और किस राज्य में स्थित है, भाई मैं बता दूं, एक सिंह वाला गैंडा मेरा कौन सा दोस्त नहीं जानता है कि काजीरंगा असम में पाया जाता है, काजीरंगा असम में पाया जाता है, ठीक है ना, तो ये ले लीजिए। अगला क्वेश्चन, सर आज दो खेल आई, कोई बात नहीं दोस्त, एक ही 1000 हो जाए बहुत है, ठीक है ना। अगला, तीन फसलें जो वैश्विक खाद्य अनाज उत्पादन में अधिकतम योगदान देती हैं, मेरे सारे पुराने दोस्त और मेरे सारे नए दोस्त, आज आप लोग को 1000 लाइक तो कर ही देना है, लाइक पहुंचे या ना पहुंचे, इसके लिए दोस्तों प्लीज और प्लीज एज मच एज पॉसिबल लाइक एक बार कर दो। और तीन फसलें जो वैश्विक खाद्य अनाज उत्पादन में अधिकतम योगदान देती हैं वो है गेहूं, चावल और मक्का, कौन सी है, गेहूं, चावल और मक्का। रैपिड फायर राउंड का अगला क्वेश्चन,
ये चल रहा है जीएस का रैपिड फायर, इसलिए क्वेश्चन आ रहे हैं तेजी से। एक बार लाइक करिए और इसका आंसर करिए। निम्नलिखित में से किसके ग्लोबल वार्मिंग का, मतलब इंग्लिश में पढ़ो तो ज्यादा आंसर अच्छा आंसर होगा, किसके ऊपर ग्लोबल वार्मिंग का ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता है, बताइएगा दोस्तों, ठीक है ना। नहीं राहुल रावत यार, कोई नया मोबाइल नहीं खरीदा हूं, मोबाइल मेरा पुराना ही है, ठीक है, शेयर करके 1000 पार करेंगे। बहुत बढ़िया अनुज, थैंक यू सो मच अनुज तुम्हारे इस कॉन्फिडेंस के लिए, थैंक यू सो मच। क्लियर है ना, कोई बात नहीं दोस्त, 1000 दोस्त नहीं, आप लोग साथ दोगे ना तो YouTube पे कभी ना कभी हम भी छा ही जाएंगे। 131वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो 131वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्त, कहां है वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण, सी ऑप्शन। क्लियर है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्त आपके स्क्रीन पे आने वाला है ये, निम्नलिखित स्रोतों में से किसका हिस्सा भारत में विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा है। बहुत सोच समझ के आंसर करना, गलत नहीं होना चाहिए, बहुत सोच समझ के। और मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने लाइक करके 900 तो कर लिया है, 1000 का आज हम लोग का कंपटीशन है। किसका हिस्सा भारत में विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा है दोस्त, याद रखना विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा थर्मल पावर है, कौन सा है, थर्मल पावर सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस लहर पवन को डॉक्टर विंड भी कहा जाता है, डॉक्टर विंड किसको कहा जाता है, मैंने आपको पढ़ाया है दोस्त जीएस रैपिड फायर में, आंसर करने में देर मत कर देना कि देर हो गई सर, कोई बात नहीं। रवि पटेल, मुझे भरोसा है दोस्त, जो मेरे दोस्त नए हैं वो लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसका आंसर हो जाएगा हरमट्टन। क्लियर है ना, हरमट्टन, इसे हम लोग डॉक्टर विंड भी कहते रहते हैं, ये सभी को याद होगा। अगला क्वेश्चन क्लियर है, अगला क्वेश्चन, इनमें से किस देश की तट रेखा सबसे लंबी है, किस देश की तट रेखा सबसे लंबी है ये बताना है। तो भैया भारत की तट रेखा तो उतनी, भारत में गुजरात की सबसे लंबी है, ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया और कनाडा में कंफ्यूजन रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर कनाडा होगा, क्या होगा, कनाडा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस तट पर लौटते हुए मानसून में सबसे अधिक वर्षा होती है, क्लियर है, बताइएगा दोस्तों। एक बात आपको बता दूं, 5 क्वेश्चन और बचे हैं और लाइक की संख्या करीब करीब 80 बची हुई है, क्या इन 5 क्वेश्चन में हम लोग 80 लाइक करके 1000 के हो पाएंगे, देखते हैं भैया इस 5 क्वेश्चन में। पढ़ाना मेरा काम और लाइक करना आपका काम, तो मैं अपना काम करूंगा। 135वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, बताइएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। अगला क्वेश्चन, भारत में मानसून प्रकोष्ठ का अर्थ समझा जाता है, याद करो जब ये क्वेश्चन में पढ़ा रहा था तो तुम लोग अक्सर लोग इसको गलत कर दिए थे, आज पता नहीं आप लोग सही करोगे कि गलत, क्योंकि मानसून एक्सप्लोजन से, वैसे यहां एक्सप्लोजन नहीं होगा, मैंने उस दिन भी बताया था BRUST ब्रस्ट वर्ड का प्रयोग होगा, क्लियर है ना, ब्रस्ट वर्ड का प्रयोग होगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्त, भारत में मानसून प्रकोष्ठ का अर्थ समझा जाता है मानसून की पहली बारिश से, मानसून की पहली बारिश से। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन, किस दिन पृथ्वी पर ग्रीष्मकालीन संक्रांति होती है, ऑन विच डे डज समर सॉलिस्टिट्स अकर ऑन अर्थ। दोस्तों एक आपको बता दूं, मैं डेली सुबह 11 बजे रेलवे की तैयारी करवाता हूं SSC अड्डा पे, यूट्यूब पे, और शाम 7:15 बजे CHSL, CPO और दिल्ली पुलिस के लिए लगा हुआ हूं, तो दोस्तों इसमें जुड़िए जरूर हमारे साथ, क्लियर है ना। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 21 जून। अगला क्वेश्चन दोस्त, इनमें से कौन अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समीप है, कौन सी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समीप है। दोस्त हम लोगों ने आज आपस में बात किया हुआ है 1000 लाइक का, करीब करीब 966 लाइक हम लोग पहुंच गए हैं, मात्र दोस्त 30-34 लाइक और बचे हैं, यदि आप कर दोगे तो 1000 लाइक भी हो जाएगा और हम लोग 140वें क्वेश्चन पे शो को रोक भी लेंगे, क्लियर है ना। मैं हर संडे को रात 8 बजे जीएस का रैपिड फायर कराता हूं, प्रत्येक संडे कराता हूं, और सोमवार से शनिवार रोज सुबह 11 बजे और शाम 7:15 बजे क्लास लेता हूं, दोस्तों आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आए उससे पहले इसका आंसर हो जाए, इसका आंसर है दोस्त बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, मध्य महाद्वीप बेल्ट में अल्पाइन पर्वत श्रृंखला के ज्वालामुखी सम्मिलित होते हैं,
इनमें निम्नलिखित में से कौन सा सागर सम्मिलित होता है? ठीक है, बहुत सोच, जिसको हिंदी में ना समझ में आया हो इंग्लिश में इसको पढ़ ले, आंसर उसको क्लियर हो जाएगा। मात्र हम लोग 25 लाइक और दूर हैं अपने टारगेट से और मात्र एक क्वेश्चन और दूर है। क्या 140 क्वेश्चन तक जाते जाते हम लोग ये जो 25 लाइक हैं ये हो जाएंगे? देखते हैं, वो नहीं होता, देखते हैं एपिसोड के अगले भाग में। तो देखते हैं एपिसोड के अगले भाग में, तब तक इसका आंसर कर देते हैं भूमध्य सागर। अब लाइक के लिए तो मैं रुकूंगा नहीं भैया, मैं कोशिश करूंगा कि आप अपने मोबाइल से लाइक कर दीजिए। बहुत बढ़िया दोस्त, ऐसा आप पर रहता कि एक से अधिक लाइक करते हैं। कोई नहीं दोस्त, 1000 हो जाएगा, कोई बात नहीं। आखिरी क्वेश्चन 994 और खेल का आखिरी पड़ाव। हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है, और देखो ईमानदारी से 1000 हो गए, आप ईमानदारी से अपना काम तो करिए, आपको आपकी स्टूडेंट खुद प्यार करेंगे यार। थैंक यू सो मच आप लोगों के 1000 लाइक करने के लिए। अच्छा, कुछ दोस्तों ने कहा सर आप भी लाइक कर दो। लो मैं भी यहां पे एक लाइक दबा दिया, ठीक है, मैं भी लाइक कर दिया कि मैं अच्छा कर रहा हूं। चलो दोस्त, थैंक यू सो मच। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 140वें क्वेश्चन का आंसर होगा गैनीमेड, क्लियर है ना, गायनामिड वैसे कहते हैं, गैनीमेड नहीं कहते हैं, गायनामिड, क्लियर है ना, गायनामिड, ठीक है ना, गायनामिड उसको कहते हैं। दोस्तों एक मैं आपसे आंसर करूंगा और बोलूंगा कि एक मैं प्लीज सेंड, मैं असोसिएट का नंबर, ठीक है।